अखिलेश यादव कोलकाता में हैं, जहां उनके मंदिरों में दर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब इन तस्वीरों पर निशाना साधा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव को पलटू बता दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अपने फायदे के लिए कहीं भी वो जा सकते हैं, इनके लिए सिर्फ इनका परिवार ही पिछड़ा परिवार है। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंदिर मंदिर जा रहे हैं और हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, इस देश की 140 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में कमल खिलने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो रोजा अवतार की पार्टियां करना, राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, शिव भक्तों पर लाठियां चलवाना और हिंदू त्योहारों की उपेक्षा करना, शासन में रहते हुए जैसे उनके वोट बैंक की राजनीति का सबसे आवश्यक हिस्सा हो गया था। लेकिन जनता ने ऐसा जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि यह सब पलटू राम है, मतलब जब देखेंगे कि तुष्टीकरण से फायदा हो रहा है तो तुष्टीकरण करेंगे, जब देखेंगे जातिवाद से फायदा हो रहा है जातिवाद करेंगे, जब देखेंगे मंदिर में जाने से फायदा हो रहा है तो मंदिर में जाएंगे, और जब देखेंगे मंदिर में जाने से फायदा नहीं होगा तो मंदिर नहीं भी जाएंगे, और जब देखेंगे फायदा हो रहा है तो ऊपर से जनेऊ भी पहन लेंगे। ये सब ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं यह मानता हूँ इस देश की जनता का जो जनादेश है वह इनको इस रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दिया है। यद्यपि कोई मंदिर जाए या ना जाए या उसका विषय है, हमें उस पर कोई विरोध नहीं है, और लोग जो नहीं जा रहे हैं वह भी जाएं, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं, और जाएं तो पूरे श्रद्धा भाव से जाएं, वोट बैंक तलाशने के लिए ना जाएं।